अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मेरे थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ आज शादी में और बहुत दिनों के बाद मतलब दावत मिला है तो जा रही हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग भी शेयर करूँ। और पूरी तरीके से मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए, और अलहान सब रेडी हो चुका है, मम्मी पापा अलहान और मैं जा रही हूँ। और कहाँ जाना है, वेन्यू क्या है शादी का, तो वो एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है और इसलिए मैं मतलब आगे चलूँगी तो बताऊँगी। एड्रेस तो मतलब पता है लेकिन के मतलब वहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है, तो चलूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और आज मैं बिंदी भी लगाई हूँ, ये गोल्डन कलर का है, और बिंदी तो मैं ऐसे लगाती नहीं हूँ लेकिन आज लगाया है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। सोच रही हूँ फ्रेंड्स के मैं बाल खुले जाऊँ, और सुबह उठना भी है, सवेरे 7 बजे अलहान का स्कूल है, और जब शादी वादी मतलब कि सैटरडे संडे पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दूसरा दिन आराम करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि सुबह स्कूल है तो सवेरे आना भी होगा और स्कूल के लिए सुबह उठना भी होगा। और अभी बजने वाला है 9, बस कुछ देर बाद हम थोड़ी देर में निकल जाएँगे। मैं अभी थोड़ा देर मतलब कि रेडी वेडी होकर के बैठ करके हूँ क्योंकि पापा अभी फ़ोन करेंगे तो हम लोग निकलेंगे घर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अलहान रेडी हो रहा है। ये देखिए लड़का खेल के आया, बाहर से तैयार कर दिया, तो पहले से पूरा पसीना पसीना हो गया। मैं बाहर जाता हूँ। निकलते हैं फ्रेंड्स घर से। अलहान चिपकू लग रहा, इतना ज्यादा गर्म है अलहान, पसीना देखो मेरा तो पीछे देख लो भाई। पापा पहले ही रेडी होकर के बाहर आ गए, तो उन्होंने मैं कॉल किया और हम भी आ गए, बस अब निकलेंगे। और मैं ये थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया, एडिट नहीं किया था, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं राजा बाज़ार। तो ये ज़्यादा, ये जो राजा बाज़ार का एरिया, मैं ज़्यादातर पहचानती नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बहुत बहुत कम आती जाती हूँ यहाँ पर। और चलिए ऑटो में बैठते हैं और हम लोग जा रहे हैं, और थोड़ा आगे जाना है राजा बाज़ार के, तो हम लोगों ने इसलिए ऑटो लिया है। और बहुत बड़ा मार्केट लग रहा है, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी तो यहाँ का मार्केट आऊँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी। और हम वेन्यू पहुँच चुके हैं और मेरे पापा को एड्रेस पता था तो उन्होंने ऑटो वाले को कहा तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। थोड़ा दूर था फ्रेंड्स इस वजह से मेरे घर से, तो सोचा कि खाना वाना खा के निकल जाएंगे, सुबह स्कूल भी है अलहान का। हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, बस थोड़ी देर में हम लोग, मैं खाना लाने के लिए जाऊंगी, बुफे लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा और ये है मेरी मम्मी का। और मैंने सिर्फ ग्रेवी और पराठा और थोड़ा सा बिरयानी लिया है, मैं चिकन नहीं खाती इसलिए मैंने चिकन नहीं लिया। अब चलिए खाना वाना मेरा हमारा हो चुका है तो सोचा कि दुल्हन को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन और निकाह आमने सामने हो, मतलब कि अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है तो आमने सामने होगा। और मेरी मम्मी का जूड़ा देखिए, नोटिस किया है, मेरी मम्मी ने जूड़ा लगाया है। चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं अब बाहर। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि 11 ऑलरेडी हो चुका है, सुबह स्कूल है, तो हम लोग निकल गए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, 4 दिन से बारिश नहीं हुआ है कोलकाता में, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और मम्मी पीछे पीछे आ रही है, आहिस्ते आहिस्ते वो चलती है इसलिए पीछे पीछे आ रही है।
पसीना से तो हालत खराब हो गई ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ता बहुत ही सुनसान है, तो हमें यहाँ पर ऑटो टैक्सी कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा वॉक करके चलते हैं, राजा बाजार के मोड़ तक तो चलेंगे। और ये जगह जो है फ्रेंड्स, ये है लंदन ब्रिज। आप लोगों ने कोलकाता में लंदन ब्रिज नहीं देखा तो मैं दिखा रही हूँ, ये है लंदन ब्रिज। और ये नारकुंडा का बकरीछड़ है, वहाँ पर ये वाला लंदन ब्रिज आता है। नाला है ना, इसका नाम लंदन ब्रिज क्या हो गया? वो तो भाई इसके ऊपर बनाया है, खाल को किसके ऊपर? खाल को, खाल है। खाल मतलब क्या होता है? गंदगी पानी आता है, जितना शहर का पूरा गंदगी पानी आता है इसमें। लंदन ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं राजा बाजार का मोड़। और ये है दरगाह, सत्यपीर शाह बाबा का दरगाह है, और दरगाह अभी तक खुला है, 11:30 बज रहे हैं अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और बहुत सारा शॉप अभी भी खुला है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर नायरा और नायरा कट और कुर्ती वगैरह मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि 12:00 पूरा शॉप बंद हो जाएगा। तो अभी तो 11:30 बज रहा है लेकिन अभी तक खुला है। इंशाल्लाह कभी आऊँगी तो यहाँ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थोड़ा बहुत शॉप खुला है फ्रेंड्स, और पाइना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फ्रूट्स का भी शॉप जो है फ्रेंड्स, वो भी खुला है, और बहुत ज़्यादा वॉक हो गया है फ्रेंड्स। नारकुलडांगा से पूरा राजा बाजार हम लोग वॉक करके आ रहे हैं, पैर का हालत ख़राब हो गया, मम्मी का तो ज़्यादा हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते वो चल रही है पीछे पीछे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लेसेस का भी शॉप खुला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।